बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी अपडेट, दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। आतंकी हमले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स पर रोक लगी है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में धारा 163 लागू रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बताते चले कि 15 अगस्त को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है और आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। साथ ही साथ आतंकी हमले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसके चलते ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स पर रोक लगा दी गई है और इस तरह से जो भी इन चीजों का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में धारा 163 लागू रहेगी, यानी कि आप कहीं पर एक गुट बनाकर 3 से 4 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, इस तरह की गतिविधियां होती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 15 अगस्त की तैयारियों में अब यहां पर प्रशासन जुटा हुआ है। पुलिस हमला यहां पर अगर देखें तो तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। आतंकी हमले को लेकर भी अलर्ट मोड पर रहेगा। तो दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। आतंकी हमले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो तैयारियां वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यहां पर तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह की जो पैराग्लाइडर्स हैं और ड्रोन हैं, इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस पर रोक लगाई गई है 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए। और पुलिस प्रशासन, पुलिस हमला भी मुस्तैद नजर आएगा इन दिनों, क्योंकि यहां पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है 15 अगस्त को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है 15 अगस्त को लेकर? आतंकी हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। फिलहाल तैयारियां क्या कुछ की जा रही, किस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा? अभी 15 अगस्त का मौका काफी ज्यादा नजदीक है और लेते हुए अभी 15 अगस्त के मौके को देखते हुए काफी ज्यादा जो तैयारियां हैं इस वक्त पुलिस के माध्यम से की जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर आतंकी जो अलर्ट है उसको जारी किया गया है, जिसके बाद से जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने आदेश जारी किया है और आदेश के माध्यम से जितने भी डीसीपी जिला स्तर के हैं और उसके अलावा जो तहसील के थानेदार हैं सभी को एक अप्रूवल जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में 16 अगस्त तक जो 163 धारा है वो लागू रहेगी और साथ में ये आदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का पैराग्लाइड, पैराबलून और इसके अलावा ड्रोन जो है, इन सभी जो टेक्निकल संसाधन है इनका इस्तेमाल नहीं करना है और अगर इस नियम का उल्लंघन कोई करते नजर आता है तो उस पर एक धारा के तहत में कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो सारी तैयारियां हैं वो 15 अगस्त में सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए की जा रही है और जो ये धारा है और उल्लंघन करने के लेकर जो बिल्कुल उल्लंघन को लेकर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया। फिलहाल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।